हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जीवा जी यूनिवर्सिटी के SIS UG और PG के सभी SIS लॉगिन आईडी जनरेट करने के लिए, उनके पासवर्ड रीसेट करने के लिए और उनके पेमेंट करने के लिए। जैसा कि ये नोटिफिकेशन दिया जा चुका है पूरी तरह से कि सभी लोगों को 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, जिन लोगों ने किया हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी की इस मेन वेबसाइट में आना पड़ेगा, jeevajiempaonline.gov.in। यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ पर रजिस्टर फॉर ओनली इनरोल्ड स्टूडेंट, जिनका इनरोलमेंट नंबर मिला है उन्हीं के लिए है ये। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे रिडायरेक्ट करेगा तो आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा इंटर करने के बाद जैसे शो करोगे आप, तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास किसी की आईडी नहीं है, इसलिए हम आपको ऐसे लॉगिन करके नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको बड़ा सिंपल यही पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिएगा, 15 अंकों का, एक कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए और न्यूमेरिक होना चाहिए। पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। और इसके अलावा आधार नंबर इंटर करिए, ब्लड ग्रुप इंटर करिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हिंट में जो आपको इंटर करना है, जो आपको लगता है याद रहेगा वो रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको करने के बाद सबमिट करिए। सबमिट करेंगे तो अभी 20 रुपये का चार्ज लगेगा वन टाइम। इस तरह की आपकी पूरी प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल बनने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के लिए मैं बता देता हूँ, जिनको ऑलरेडी है वो भी लॉगिन कर सकते हैं, जिनका नहीं है ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे यूजर लॉगिन पे, यूजर लॉगिन पे आएंगे जैसे ही तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। यहाँ पर सेलेक्ट में स्टूडेंट सेलेक्ट करिएगा और यहाँ यूजर आईडी में इनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ वो पासवर्ड इंटर करिएगा। और ये इंटर करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी। इस तरह जैसे ओपन होगी तो आप पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोफाइल में ही आपके चेंज पासवर्ड नाम का ऑप्शन आएगा, तो जैसे पासवर्ड चेंज करना हो तो पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। तो यानी इस तरह से पेमेंट भी हो जाएगा हाथों हाथ आपका और पूरी तरह से कर भी पाएंगे। मान लीजिए जिनकी आईडी बनी हुई है और उनको जो है याद नहीं है अपना पासवर्ड, तो वो क्या करेंगे, उनके पास इनरोलमेंट नंबर रहेगा, इस पेज पे आएंगे, फॉरगेट योर पासवर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे, फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अभी जो यहाँ पर लिंक जो है स्लो चल रही है क्योंकि कई सारे लोग लॉग इन करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है। आप जैसे इस पर लॉग इन करोगे तो आपके सामने इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा और आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा और आपके हिंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा कि कौन सा नया पासवर्ड आप रखना चाहते हो। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, तो आप मेन लिंक पे आ करके यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि पूरी जो आपको नोटिस आई है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह की उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अन्य कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के भी SIS रजिस्ट्रेशन की वीडियोज यहाँ पर हैं, उनको भी देख सकते हैं, जो भी संपर्क में उनको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।